हेलो दोस्तों, और आज हम गोडॉट गेम इंजन पर एक टॉप डाउन गेम के कंट्रोल्स को बनाने वाले हैं। पर इसके लिए हम जीडी स्क्रिप्ट का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि इसके लिए हम विजुअल स्क्रिप्ट का यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और मैं इसका नाम टॉप डाउन वीएस यानी विजुअल स्क्रिप्ट रखूँगा और क्रिएट फोल्डर पर क्लिक करते हैं और क्रिएट एंड एडिट पर क्लिक करते हैं। और ये एक 2D प्रोजेक्ट है तो मैं 2D पे क्लिक करूँगा। तो सबसे पहले हम अपने प्लेयर को बना लेते हैं। इसके लिए हमें एक नोड चाहिए जो कि एक काइनेमेटिक बॉडी 2D नोड होगा और मैं इसे रीनेम कर लूँगा और ये हमारा प्लेयर होगा। और अब हम इस प्लेयर को एक स्प्राइट दे देते हैं और यहाँ हम इस डिफ़ॉल्ट आइकन को स्प्राइट के टेक्सचर में डाल देते हैं और फिर से प्लेयर को क्लिक करते हैं और एक कॉलिजन शेप 2D डालते हैं। यहाँ पर इस ये जो रेड ट्रायंगल है, इसका मतलब है कि इस कॉलिजन शेप में अभी कोई शेप सेलेक्ट नहीं है, तो हम यहाँ इंस्पेक्टर में रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट कर लेते हैं और हम यहाँ इस कॉलिजन शेप को रिसाइज करेंगे। और अब हम प्लेयर को फिर से क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे इस आइकन को क्लिक करेंगे जिससे कि हमारे प्लेयर के अंदर का कोई भी चिल्ड्रन नोड प्लेयर के साथ ही मूव होगा और अब हम इसे सेव कर देंगे। अब हम वॉल बनाएंगे और मैं इस न्यू सीन पर क्लिक करूंगा और जैसे हमने प्लेयर बनाया था उसी तरह हम वॉल के लिए स्टैटिक बॉडी 2D लेंगे और इसमें भी एक स्प्राइट डालेंगे और टेक्सचर में सेम आइकन डालेंगे और फिर से स्टैटिक बॉडी 2D को क्लिक करेंगे और एक नोड अटैच करेंगे जो कोलिजन शेप 2D होगा और इसमें शेप को हम रेक्टेंगल शेप 2D दे देंगे और अंदर के डॉट्स को पकड़कर इसे आइकन के जितना बड़ा कर देंगे और इस स्टैटिक बॉडी 2D को रीनेम करके वॉल लिख देंगे। इसे प्लेयर से अलग दिखाने के लिए, इसका आइकन चेंज करने के लिए हम विजिबिलिटी में जाएंगे और मॉड्यूलेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ इसका कलर चेंज कर देंगे ताकि हमारा वॉल हमारे प्लेयर की तरह न दिखे। और इसे हम सेव कर लेंगे और यहाँ व्यू पर क्लिक करके मैं शो ग्रिड ऑप्शन को अनेबल कर दूंगा और स्नैपिंग भी ऑन कर दूंगा और हम इस आइकन को भी दबाकर इस वॉल को लॉक कर देंगे ताकि इसके चिल्ड्रन नोट्स इस वॉल के साथ ही मूव करें और इस वॉल को मैं रिसाइज कर दूंगा इस ग्रिड में और इसे सेव कर देते हैं। और अब हम एक और न्यू सीन बना लेते हैं और ये हमारा मेन सीन है, तो हम इसमें एक नोड 2D अटैच करेंगे और इसे रीनेम करेंगे और इसे रीनेम करके मेन लिखेंगे और इसे भी सेव कर देते हैं। मैं अब सबसे पहले वॉल को ऐड करने वाला हूं जो कि इस सीन के बाउंड्री के अंदर चारों ओर होगा और यहां स्नैपिंग जरूर ऑन रखना। हम अपने वॉल को यहां ड्रैग कर लेते हैं और इसे एक और सेट करते हैं और इसे कंट्रोल डी दबाकर आप डुप्लीकेट कर सकते हैं और शिफ्ट दबाकर एक से ज़्यादा आइकन सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर से कंट्रोल डी दबाकर इसे डुप्लीकेट कर लेते हैं और फिर से शिफ्ट दबाकर सेलेक्ट करते हैं और फिर से कंट्रोल डी दबाकर डुप्लीकेट कर लेते हैं। ये प्रोसेस बार बार करते हैं ताकि जब तक कि हमारा वॉल कंप्लीट ना हो जाए। और मुझे सिर्फ यही एक तरीका पता है, तो अगर किसी को कॉपी पेस्ट का और कोई तरीका पता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर बता देना। ओके, अब जब हमारा वॉल पूरी तरीके से तैयार है तो अब हम अपने प्लेयर को भी मैदान में ले आते हैं। तो हम प्लेयर को भी ड्रैग कर लेते हैं और हमारे प्लेयर को वॉल के चाइल्ड नोड से निकाल कर मेन सीन में डाल देंगे और इसे सेव कर देंगे। और अब हम आ जाते हैं हमारे प्रोग्रामिंग पार्ट में
जहां हम विजुअल स्क्रिप्ट का यूज करेंगे इस प्लेयर को मूवमेंट देने के लिए। तो मैं वापस से प्लेयर सीन पर आ जाता हूँ और यहाँ हम स्क्रिप्ट आइकन को क्लिक करेंगे जो कि एक स्क्रिप्ट को हमारे प्लेयर के साथ अटैच कर देगा। और इन सब सेटिंग में मैं सिर्फ एक चेंज करूँगा जो कि है लैंग्वेज, जिसे चेंज करके मैं विजुअल स्क्रिप्ट कर दूंगा। और अगर तुम लोग पहली बार GoDot यूज कर रहे हो तो मैं बता देता हूँ कि इन सब टैब्स का क्या मतलब है। तो यहाँ हमारे ओपन स्क्रिप्ट की लिस्ट है और यहाँ फंक्शन, वेरिएबल और सिग्नल्स की लिस्ट है। और यहाँ हम बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ भी कर सकते हैं जो कि इस आइकन को दबाने पर खुल जाता है। यहाँ नीचे की ओर हमारे पास अवेलेबल नोट्स की लिस्ट है। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे जो कि हमारे डायरेक्शन में हमारी हेल्प करेगा और ये एक वेक्टर 2 वेरिएबल होगा। प्लस बटन पर क्लिक करके हम नया वेरिएबल बना सकते हैं और इसे डबल क्लिक करके हम इससे रीनेम कर सकते हैं। तो मैं इसका नाम new_direction रख देता हूँ। अब इसे राइट क्लिक करेंगे और एडिट वेरिएबल पर क्लिक करेंगे। इसके टाइप को चेंज करके हम इसे वेक्टर 2 करेंगे। वेक्टर 2 दो वैल्यू होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे एक्स एंड वाई। वैल्यू में हम 00 लिख देते हैं और एक्सपोर्ट पर भी क्लिक कर देते हैं ताकि ये इंस्पेक्टर में दिखता रहे। क्लोज पे क्लिक करते हैं। अब अगर हम प्लेयर नोड में जाके देखें तो हमें वहाँ न्यू डायरेक्शन वेरिएबल देखने को मिलेगा। हम एक और वेरिएबल बनाएंगे और इसे स्पीड नाम देंगे। इसे भी राइट क्लिक करके एडिट वेरिएबल करेंगे और इसके टाइप को चेंज करके फ्लोट कर देंगे। इसकी वैल्यू हम 50 रखेंगे और इसे भी क्लोज कर देंगे। ओके, अब जब हमने वेरिएबल बना लिए हैं तो अब हम इनपुट के लिए कुछ फंक्शन भी बनाएंगे, जैसे सबसे पहला प्रोसेस फंक्शन। ये फंक्शन गेम के हर स्टेप को प्रोसेस करता है। जैसा कि यहाँ तुम देख सकते हो कि इस प्रोसेस फंक्शन में दो ऑप्शन है। ये वाइट लाइन मल्टीपल नोड से कनेक्ट हो सकती है और दूसरा फ्लोट वैल्यू है जो कि डेल्टा है, जो कि बेसिकली दो पार्टिकुलर फंक्शन के बीच होने वाले टाइम का मेजरमेंट रखता है। ओके, तो सबसे पहले हम एक एक्शन नोड ऐड करते हैं। इसे ड्रैग कर लेते हैं। ये नोड हमारे कीबोर्ड इनपुट को चेक करता है और हम यहाँ इंस्पेक्टर में इसके इनपुट को चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसे बदल कर UI लेफ्ट कर देता हूँ। अब प्रोसेस फंक्शन में आते हैं, जहाँ वाइट लाइन को ड्रैग करने पर लिस्ट आएगा, जहाँ हम कंडीशन चूज करेंगे। तो ये कंडीशन अगर ट्रू फॉल्स या डन होगा तो क्या होगा ये हमें सेट करना होगा। जहाँ अगर हम UI लेफ्ट को प्रेस करेंगे तो क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, इसके लिए हम प्लेयर को सेलेक्ट कर लेंगे और इसके डायरेक्शन स्क्रिप्ट को हम यहाँ ड्रैग कर लेंगे। लेकिन हमें यहाँ दोनों एक्स वाई वैल्यू को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक्स वैल्यू चेंज करूँगा। तो हम यहाँ इंडेक्स पर क्लिक करते हैं और एक्स चूज कर लेते हैं और इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक्स वैल्यू से। वैल्यू में 1 डाल देते हैं और इस नोड को कनेक्ट कर देते हैं। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये एक्शन परफॉर्म होगा। और अब हम डन नोड में आएंगे और एक दूसरी कंडीशन लगाएंगे, फिर से एक्शन को ड्रैग कर लेंगे और इस बार हम UI राइट चूज करेंगे। तो अगर राइट एरो प्रेस होगा तो फिर से हम प्लेयर के डायरेक्शन स्क्रिप्ट के वैल्यू को चेंज करेंगे। इंडेक्स में एक्स सेलेक्ट करके इस बार हम इसे ऐड करेंगे और वैल्यू में 1 डाल देंगे और नोट्स के ट्रू लाइन को कनेक्ट कर देंगे। तो अब जब हमारे पास लेफ्ट और राइट बटन सेट हो चुके हैं तो अब अप एंड डाउन भी सेट करते हैं। इसके लिए डन नोट को फिर से एक कंडीशन देंगे, एक्शन को फिर से ड्रैग करेंगे और इसे UI अप चेंज करेंगे और कनेक्ट कर देंगे और फिर से प्लेयर के डायरेक्शन स्क्रिप्ट को ड्रैग कर लेंगे।
और इस बार हम इंडेक्स के वाई वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे और हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे और वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे। और जब ये डन हो जाएगा तो हम चेक करेंगे कि अगर डाउन प्रेस हुआ है तो यहाँ हम विजुअल स्क्रिप्ट में यूआई डाउन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अगर यूआई डाउन प्रेस होगा, और वैसे मैं एक बात बता दूं दोस्तों, मैं यहाँ नेविगेट कर रहा हूँ माउस का मिडिल बटन दबाकर, ओके तो फिर प्लेयर को सेलेक्ट करेंगे और न्यू डायरेक्शन को ड्रैग कर लेते हैं, इंडेक्स को चेंज करके वाई कर देते हैं और इसे ऐड करते हैं, वैल्यू में 1 डाल देंगे फिर से। तो अगर यूआई डाउन कंडीशन ट्रू होगा तो हमारा प्लेयर डाउन मूव होगा। पर ये फाइनल मूव कराने से पहले शायद मुझे एक छोटी सी गलती को ठीक करने की ज़रूरत है। जब भी प्रोसेस रन होगा तो हमें न्यू कंडीशन की वैल्यू को रीसेट करना होगा। तो मैं प्लेयर को क्लिक करूँगा, न्यू डायरेक्शन को ड्रैग करूँगा और मैं न्यू डायरेक्शन की वैल्यू 00 ही रहने दूँगा और प्रोसेस को न्यू डायरेक्शन से कनेक्ट कर दूँगा। तो अब जब भी प्रोसेस कॉल होगा न्यू डायरेक्शन ऑटो रीसेट हो जाएगा। तो अब हम आगे की ओर चलते हैं। अब हम मल्टीप्लाई नोड ऐड करेंगे और ये नोड दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के लिए यूज़ होता है। तो मैं सबसे पहले इस डेल्टा वैल्यू को इससे कनेक्ट करूँगा। और देखो दोस्तों, यही प्रॉब्लम होती है जब हम विजुअल स्क्रिप्ट के साथ काम करते हैं, बट मैं इसे कनेक्ट कर दूँगा और इसे लाते हैं यहाँ। और अब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा अपनी स्पीड वैल्यू के साथ। तो स्पीड को ड्रैग कर लेते हैं यहाँ पर और स्पीड वैल्यू को कनेक्ट कर देते हैं इस मल्टीप्लाई नोड से, जिससे हमें एक कांस्टेंट स्पीड मिलेगी और हमें एक और मल्टीप्लाई नोड की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ एक और नोड ऐड करता हूँ। मल्टीप्लाई के नोड को इस नोड से कनेक्ट कर देते हैं, प्लेयर को सेलेक्ट कर लेते हैं और इस न्यू डायरेक्शन वैल्यू को कंट्रोल दबाकर हम ड्रैग करते हैं। और हमें कंट्रोल दबाकर ही इसे ड्रैग करना है, तो ये बात ध्यान रखना। पर मैं इस न्यू डायरेक्शन वैल्यू को डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करूँगा और इस वेक्टर 2 को नॉर्मलाइज करना होगा हमें, ताकि जब भी हम अप डाउन लेफ्ट राइट प्रेस करें तो हमें एक जैसी ही स्पीड मिले। तो इसे नॉर्मलाइज करने के लिए नॉर्मल टाइप करेंगे और वेक्टर 2 सेक्शन के नॉर्मलाइज को ड्रैग कर लेते हैं। और अब इस न्यू डायरेक्शन के नोड को इससे कनेक्ट कर देंगे और नॉर्मलाइज को मल्टीप्लाई से कनेक्ट कर देंगे। और अब हम फाइनली प्लेयर को मूव कराने के लिए इसे ड्रैग कर लेते हैं। और जब हम इसे ड्रैग करेंगे तो बिल्ट इन फंक्शन के लिए ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो हम इस मूव और कोलाइड को सिलेक्ट कर लेंगे और इस मल्टीप्लाई को इस नोड से कनेक्ट कर देंगे और इस वाइट लाइन को भी इस नोड से कनेक्ट कर देंगे। सेव कर देते हैं। और वैसे मैंने अपने स्पीड को 100 कर दिया है और अब हम गेम को टेस्ट करते हैं। तो F5 दबाते हैं और देखते हैं क्या होता है। सिर्फ डाउन वर्क कर रहा है। तो ये वाइट लाइन यहाँ नहीं कनेक्ट करना है, एक्चुअली ये नोड एक्चुअली डन से कनेक्ट करना होगा। फिर से सेव करके F5 दबाते हैं और अब हम अप डाउन लेफ्ट एंड राइट मूव कर सकते हैं। बट मैं थोड़ा स्पीड और बढ़ाऊंगा। तो एडिट वेरिएबल पर क्लिक करेंगे और वैल्यू को 300 कर देते हैं। फिर से F5 दबाते हैं। यस, अब यह बिल्कुल सही काम कर रहा है। दोस्तों, तो जल्दी से बात कर लेते हैं विजुअल स्क्रिप्ट के बारे में। तुम लोग सोच रहे होगे कि विजुअल स्क्रिप्ट काफ़ी मज़ेदार है, पर यार ऐसा नहीं है। विजुअल स्क्रिप्ट बहुत ही मुश्किल है।
देखो तुम लोग सेम ये कोड मैंने लिखा है जीडी स्क्रिप्ट में, और तुम लोग देख रहे होगे कि ये छोटे से 20 लाइन का कोड है और बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा है। पर विजुअल स्क्रिप्ट के साथ ऐसा नहीं है। विजुअल स्क्रिप्ट में चीज़ें इधर उधर होती हैं और तुम समझने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो अब तुम लोग यार कमेंट करके मुझे बताओ नीचे कि तुम्हें जीडी स्क्रिप्ट ज़्यादा अच्छी लगती है या फिर विजुअल स्क्रिप्टिंग। तो मैं आगे उसी पे काम करूँगा और उसी पे ट्यूटोरियल्स आएंगे। और अभी तक अगर तुमने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करो यार। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, और ज़्यादा कुछ पूछना हो तो आओ कभी हवेली पे।